जनता की जुबान पे आने लगा एक ईमानदार सेवक का नाम। जी हाँ, कटनी जिला अस्पताल के पूर्व सिविल सर्जन एस के शर्मा ने आने वाले विधानसभा में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 35 सालों से जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के पद पर रहकर जनता की सेवा की है और वही समाज सेवी बनकर भी लाखों लोगों की सेवा कर चुके हैं। पूर्व सिविल सर्जन एस के शर्मा के चुनाव लड़ने की खबर से भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में हलचल मच गई है। वहीं पूर्व सिविल सर्जन एस के शर्मा ने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस या अन्य पार्टी उन्हें समझ में नहीं आती है, तो वह जनता की तरफ से अन्य विकल्प के रूप में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। पीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। यह बात सही है कि मुझे कई लोगों ने सलाह दी कि आप भी एक बार इस क्षेत्र में सेवा करके देखिए, तो मैंने भी विचार किया और अपने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा करके मैंने सोचा है कि जो आने वाले नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा। और उसका कारण यह है कि यह मुझे किसी पार्टी से टिकट मांगने नहीं जाना है। यदि कोई पार्टी टिकट देती है तो मैं उस पर विचार करूँगा, जो आने वाले समय में ही स्वतः धीरे धीरे मालूम चलेगा। और बाकी स्वतंत्र का उम्मीदवार के रूप में मेरा खाली ये मानना है जो पूरी विधानसभा क्षेत्र क्या चारों विधानसभा क्षेत्र में मैं अपने परिचय नाम का मुहताज नहीं हूँ। और मैंने भट्टा मोहल्ला जैसे जगह में 8 वार्डों में 35 साल सेवा दी है, जबकि वहाँ कोई MBBS भी नहीं था। और TB अफसर के रूप में मैंने 60,000 TB मरीजों का 12 साल में उपचार किया है। और इसके अलावा 27 साल जिला अस्पताल में काम करते हुए और 2.5 साल सिविल सर्जन के पद में रहते हुए मैंने कार्य किया है। और स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में नगर निगम कटनी में 5 साल सेवा दी हैं और वहाँ आज भी मेरा नाम लिया जाता है क्योंकि मैं प्रथम स्वास्थ्य अधिकारी था नगर निगम का। तो इस तरीके से मैंने हर क्षेत्र में जहाँ भी रहा, और एक मेरी कर्म ही मेरी पूंजी है क्योंकि मैं शरणार्थी था, उस परिवार था, तो मैंने इसको ही लेते हुए चला हूँ। और किसी भी 40 साल की अपनी सेवा में जिले की अपने स्वयं के किसी कारण नहीं ऐसा होने दिया कि किसी कोई मेरे से कोई शिकायत हो। अब ये समूह का कोई जो काम रहता है, टीम का काम रहता है, तो बात दूसरी है। बाकी व्यक्तिगत मेरे से जो संभव बना किया है, और मैं चाह रहा हूँ कि यदि मुझे आगे सेवा का अवसर मिलेगा तो मैं देखूँगा कि मैं और क्या कर सकता हूँ जिले के लिए और अपने विधानसभा के लिए। और ये तो आज की मेरी आवश्यकता है और मेरे जनाधार की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से मैं उस पर विचार करूँगा। जिस तरीके से यदि आपको ना ही BJP ना ही कांग्रेस, कोई अन्य पार्टी भी आपको यदि टिकट देने के लिए कहता है तो आप उस पार्टी में जाकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अन्य पार्टी भी संपर्क करी है और मैंने अभी तो विचार के लिए कहा है, तो अब आने वाला समय अभी तो 4 महीने पूर्व कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे समय आएगा तो मुझे जो समर्थन मिलेगा उसके हिसाब से मैं जनता के अनुरूप और अपने शुभचिंतकों के अनुरूप ही निर्णय लूँगा। जिस तरीके से यदि टिकट किसी पार्टी से नहीं मिलता तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? निर्दलीय देखिए, कटनी के इतिहास में तो 2 बार अभी हाल के ही महापौर चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी जीता है। तो देखिए, जब दोनों पार्टियों जो प्रमुख पार्टी हैं के कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर होगा तो जनता को सोचना रहेगा कि हम तीसरे विकल्प के रूप में एक हमारे पास विकल्प है, इसलिए दृष्टिकोण से मैं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये माना जाए कि आप यदि टिकट नहीं भी मिलती है तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? हाँ, निश्चित रूप से। मैंने क्या कहा कि मैं एक विकल्प के रूप में जब दोनों पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे और मैं यदि किसी पार्टी से नहीं लड़ता हूँ
तो मैं ये देखूंगा कि जनता जन समर्थन जो शहर के बुद्धिजीवी वर्ग है, मजदूर तबका है, गरीब तबका है, किसान वर्ग है और हमारे जो कर्मचारी हैं साथी, ये सब का क्या वो है, उसके हिसाब से मैं मैदान में तो रहूंगा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।